कि बहे फगुनी बेयार मन करता हमार कि जब धरी तो घबराती है परिकाई क्यों नचिखाती है। दिल्ली में हम अइली तो बहुत चीज ऐसा जे घटना बा हमरा संग भइल, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम फेमस होना चाहते हैं ताकि दूसरे को बदनाम करके। अरे कोरम हमारे फूटल मिलल बारू बाबना, कोरम हमारे फूटल मिलल बारू बाबना। आज के डेट में सबसे पहले केहू पर विश्वास मत करी, ये बात के हम खोलब ना कैसे के बात खोलब बहुत आगे तक बात चल जी। नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुशबे और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए है भोजपुरी के, मेरे हिसाब से हैं आपके लिए है कि नहीं पता नहीं, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी टू एंड भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गीतकार नंद किशोर जी। तो आइए जिनसे चर्चा में चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नंद किशोर जी। नमस्कार। जैसा कि हर इंसान के पीछे किसी न किसी इंसान का हाथ होता है, तो आप अपनी सफलता के पीछे किसको मानते हैं? हम अपन सफलता के पीछे सबसे पहले तो चर्चा न्यूज के जो भी देखे वाला बाटे सबे श्रोता के प्रणाम करते हैं। चाचा भैया, गार्जियन, माता पिता जो भी बात सबको के प्रणाम, आशीर्वाद के शुभकामना जे कि आप सब चर्चा चैनल देखत नहीं। और रहल बात कि हमारा जिंदगी में के हमारा के आगे बढ़ौले बा जी, तो हर कोई के रीजन होला कि केहू न केहू के प्रति आगे बढ़ेगी। हमरा के आगे बढ़ावे में हमारा दादाजी के हाथ बा। दादाजी, उनका नाम आप लेना चाहेंगे? हमारा दादाजी के नाम श्री सत्यनारायण। तो वो भी संगीत लाइन से ही बिलोंग करते थे? नहीं, वो संगीत लाइन से नहीं थे, वो पुलिस थे, झारखंड पुलिस थे। अच्छा। उनका देहांत भी हो गया क्योंकि वो बहुत पहले हम जब छोटे थे तब हमको वो लेकर जाते थे साइकिल से बैठा उठा कर, गाना वाना गवाते थे। पहले चर्चा शिव चर्चा होता, शिव चर्चे में गाना गावे की स्टार्ट कर रही। मैंने गावत ना, फुआ के गाँव गई रही तो ऐसे गाव गुनगुनाई नहीं तो लोग गावत रहते गाना गई वो। हम कहने की ठीक बा गाना गा दे, तो गाना गई नहीं तो लोग कॉलस की ठीक बटे तो बढ़िया गावत है बुझाता। ऐसा ही गाना स्टार्ट हो गया आपका। हाँ। तो आप इस चीज को श्रेय देते हैं अपने दादाजी को कि आपकी गायकी का स्टार्ट उनके थ्रू हुआ। हाँ। जैसे कि देखिए, आपका वर्जन नाम क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको सब खेसारी टू के नाम से जानते हैं, उसी नाम से आप फेमस है, तो ये नाम आपका किसने रखा? ये खेसारी टू नाम जैसे मान के चले कि हम कार्यक्रम करते रहनी है, तो कार्यक्रम करते रहनी तो घरी बहुत ज्यादा खेसारी भैया के लोग दीवाना रहन, फैन रहन। आप भी उनके फैन हैं? हम भी उनके फैन हैं, हम उनको आदर्श मानते हैं, गार्जियन मानते हैं, बड़े भाई मानते हैं, ताकि जो भी हम दो पैसा अभी कमाते हैं चाहे कहीं भी स्टेज शो करते हैं तो कुछ ना कुछ उनसे सीख के ही करते हैं, ताकि हम लोग में ऐसा टैलेंट नहीं है जो कि हम अपने आप से कर सकते हैं, सब उनको देख के ही करते हैं। तो आपको खेसारी टू का नाम जनता ने दिया या आपने स्वयं खुद रखा? नहीं, हमको जनता ने, अचाहे हमने ये तो नहीं कहेंगे, ये नाम कोई दिया नहीं। जैसे मान के चलिए कि आप प्रोग्राम करते हैं, हम प्रोग्राम में जाते तो स्टेज प्रोग्राम होत रहा हमने गांव घर में, तो गांव घर में स्टेज प्रोग्राम होत रहा तो नाचे के तो थोड़ा सा भैया के देख के हमने कमर हिलावत रहनी सब, तो पब्लिक खूब खुश होके ताली बजावत, तो लोग कहत रहन कि एकदम ही तो खेसारी लेखन नाचे तो बुझा तो खेसारी टू का है, तो लोग अपना मन ही मने हाँ वह लोग बोले लागल ई हमारा गांव से बगल हट के निफिकिरा बाबा एगो मंदिर बैठे, वो जी वह मंदिर में ढोलक झाल हारमोनिया पर प्रोग्राम होत रहा है, लोग ज्यादा ना कम से कम 250 भीड़ रहे, वही में फर्स्ट प्रोग्राम मैंने दादाजी लिया के गई रहनी हमने के। ऐसे ना तो जोगिया मंदिर पर जात रही जब तक 10-10 रुपया मिलत रहे, रात रात भर जागी और लोग हमके जगावे बाबा मुंह पे पानी मार मार के तोरा गाना गावे के बा, हम सूत जाए फिर साइकिल से लिया के आवा सुनने से। तो आपका मतलब कि जनता ने आपको बोलने खेसारी टू जैसे आप
लगते हो, मतलब खेसारी जी से डांस करते हो, खेसारी जी से गाते हो, तो आपको लोग खेसारी टू बोलने लगे, तब से आपका खेसारी टू पड़ गया। वैसे आपका ओरिजिनल नाम क्या है? मेरा ओरिजिनल नाम राजेश रोशन है। राजेश रोशन, हाँ। जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं, ज्यादा हमको स्टेज प्रोग्राम से लोग जानते हैं। खेसारी टू जी, खेसारी जी बोलूंगा तो लगेगा खेसारी जी से बात कर रहा हूँ। खेसारी टू जी, जैसा कि भोजपुरी में जोड़ी होती है गीतकार की, जो राइटर होता है राइटर और सिंगर की जोड़ी होती है, जैसा कि प्रेजेंट टाइम पे आप दोनों की जोड़ी खेसारी टू और नंद किशोर जी की जोड़ी मार्केट में धूम मचा रही है, तो आप अपने राइटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम कवि जी के प्रणाम करते हैं, इससे कि दिल्ली में हम आईनी तो बहुत चीज ऐसा जो घटना बा हमारा संग भइल। कोई ऐसा घटना? लेकिन हम ये बात के खोलब ना। क्यों नहीं खोलेंगे भाई, क्या बात होगी? क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम फेमस होना चाहते हैं ताकि दूसरे को बदनाम करके जो किया सो ऊपर वाला भगवान। आप वैसे ही यूपी बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है, जो भोजपुरी सुनता है, गाता है या देखता है उसके नजर में तो आप वैसे हिट है, आप किसी को बदनाम करके हिट नहीं होंगे। लेकिन आपके साथ जो हुआ, देखिए आदमी जैसे आप बोल रहे हैं खोलेंगे नहीं, आप हंस रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, आप बोल रहे हैं खोलेंगे नहीं, आप खोलेंगे तो हो सकता है कोई और खेसारी टू आने वाला हो, उस चीज से बच जाए, तो आप खोलेंगे तो आगे नए कलाकारों को बचा सकते हैं। ऐसा क्या हुआ आपके साथ, हम भी जानना चाहते हैं, जो देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नए कलाकार बच सके उस चीज से जो आपके साथ हुआ, तो आप बताएंगे, बाकी मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको। नहीं, हम चाहब कि सब कोई भाई बंधु बाटे से केहू के बाकावला में उतना आवे के नहीं खे, बस एक ही बात कहब कि अपना अंदर अगर कला बाटे तो रियल के हीरो बन के दिखाई। जैसे आपको किसी ने बहकाया क्या आप आए दिल्ली? तो नहीं बहकाया, नहीं कुछ दूसरा। आपकी बातों से तो लग रहा है आपको किसी ने बहकाया। जो हुआ सो हुआ, तो फिर नंद किशोर भैया छोड़िए ये बात को, नंद किशोर भैया हमको सहारा दिए। नंद किशोर जी ये नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जब से दिल्ली आए हैं आप इनके हमसाया बनके चल रहे हैं, इनके साथ साथ चलते हैं, जहां भी जाते हैं आपके ही लिखे हुए गाने गा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ इनके साथ जो आज कैमरे में नहीं बता पा रहे हैं, आप बताइए। ऐसा बात नहीं है, दिल्ली में आए तो सारा ठीक है, हमने तो भाई गाँव ही कहीं जाए जी अपन, मतलब 20 किलोमीटर दूर पर हमने घर था इनके घर से। ऐसा क्या हुआ इनके साथ जो बता नहीं पा रहे? वो बात मैं बता रहा हूँ जी, जो बात क्या हुआ जी। इनके राइटर संतोष जी भी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गीत लिखते हैं, और एक दो भाई हैं जो पहले लिखे थे जी। इनके साथ मतलब कुछ नहीं हुआ, जैसे कि कुछ आदमी बोले कि गा दो मेरे लिए, कुछ पैसा रख लिया, तो मैं उनका नाम नहीं रख सकते। मतलब इनसे गाना गवा लिया कि पैसा आपको दूंगा, बाद में इनकी पेमेंट इनको नहीं दी। हाँ, नहीं दिया, धोखा किया। और मतलब नजर में है इनका हरदम रहेगा, लेकिन हम लोग दुश्मन नहीं मानते हैं, फिर भी अपना हित मानते हैं। इशारे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे खेसारी टू जी? आप भले ही नाम ना लीजिए, लेकिन वो इंसान समझ जाए, आप उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? हम ये सब देखे वाला श्रोता भाई के को हम कि आज के डेट में सबसे पहले के ऊपर विश्वास मत करें, खास करके आप अपना अंदर हिम्मत रखें। कोई लोग कहते है कि ना चलो तारा के हम हाई दे दे भाव कर दे, अगर जो आपके गिफ्ट दे के हम कोनो चीज ले ले तो बहुत दिक्कत बा, ऐसे कुछ भी ये बात के हम खोलब ना, कैसे की बात खोलब, बहुत आगे तक बात चल जी। आ जो बीत गुल सो बीत गुल, माता रानी के कृपा हुई, माँ सरस्वती के अगर हमारा के कला दिल बड़ी तो हम अपना से अपना बदौलत हम कमाई कमा के हर अपन सबक के। आप ये कहना चाहते हैं जो नए कलाकार आ रहे हैं या जो पुराने कलाकार भी हैं, किसी के कहने पे ना आए, कोई लालच देता है किसी चीज का लालच में ना आए, और एग्रीमेंट बना के काम करें। आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, एग्रीमेंट नहीं, वो खुद मन के, आज के कलाकार जितना भी है लोग सब लोग जानता है, एग्रीमेंट नहीं। आप काम कीजिए और जैसे आपको लोग बोलता है कि हम काम किए तो मजदूरी हमको चाहिए, तो बस उसी टाइम बोलिए कि हमको, हम इतना काम किए, हमारा गाना के ये पैसा हुआ, उसी टाइम बोलिए कि ले लीजिए। और उसके बाद में कोई सामान आपको कोई चीज देता है तो
वो सामान मत लीजिए। अच्छा मतलब आपके साथ ऐसा हो गया इसलिए आप जो नए आ रहे हैं जो पुराने कलाकार उनको चीज बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। हाँ। लेकिन आप ये नहीं बता रहे किसने किया ताकि नए कलाकार सतर्क तो हो जाए उस इंसान से, आप ये नहीं बता रहे। चलिए कोई नहीं, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे और जिसने किया होगा वो समझ गया होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर जिसने भी ये किया है अगर वो वीडियो देख रहा है तो चर्चा के माध्यम से मैं भी हाथ जोड़कर नहीं हो रहा कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा किसी भी कलाकार के साथ ना करिए, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। कोई भी कलाकार कलाकार होता है, दिल का बहुत साफ होता है, कहीं से पैसे लेकर इकट्ठा करता है, दो चार गाने गाता है, हिट होना चाहता है, स्टार बनना चाहता है और उसकी कामना में अगर आप गलत करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए मैंने मैसेज दे दिया, आप मैसेज नहीं दे पाए। आपका जो बहुत ज्यादा जब से आप गाना गा रहे हैं आज तक जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ होगा ना, वो एक दो लाइन जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें सर। ज्यादा तो हमारे गाना लाइव होला, ऐसे कि हम स्टेज प्रोग्राम करीला, हम ज्यादा गाना ना गईला, हमारे लोग यूट्यूब पर चढ़ा देवेला तो ओकर व्यूअर ज्यादा भागेला। तो हमारे सबसे ज्यादा गाना होली के मौसम चला था। जी जी। तो एगो होली के गाना आई रहे हमारे बहुत पहले। की बहे फगुनी बेयार मन करता हमार, की अबही बानी लाचार मामा देखो कुमार, चढ़ली जवनिया के मुरुचा छोड़ावे द, अरे मामा हो मामा मामी में लगावे द, मामा हो मामा रंग मामी में लगावे द। ये गाना कब आया था आपका? ये गाना कितने साल हो गए इस गाने को? दो साल हो गया पुराना हो गया। तो इस गाने का अच्छा रिस्पांस मार्केट में आया था। हाँ, अभी कोई जो हाल फिलहाल में नंद किशोर जी का लिखा हुआ कोई लोकगीत कोई गाना आया हो? हाँ, नंद किशोर भैया का एक गाना इनका लिखा हुआ बढ़िया हिट हुआ था कि मेरे मम्मी मना किया है डाउनलोड नहीं कराना है। जी दो लाइन और सुनाइए प्लीज। जब हमने किया था जो हम गए थे कि जब धरी तो घबराती है पर काई क्यों नच खाती है, तो फिर लड़की बोलती है कि नहीं हर के लागल कॉपी राइट ससुरा में हटाना है, कि मेरा मम्मी माना किया है डाउनलोड नहीं कराना है। ये गाना कहाँ से लीजिए सर आपका? ETF कंपनी से। अच्छा, जो आपने लिखा था। अभी हाल फिलहाल में इनकी शो जी और कौन कौन से गाने हैं जो खेसारी टू के लिए आप लिख रहे हैं और मार्केट बहुत जल्द आने वाले? अभी इनका गाना लोकगीत आएगा जो कि लोकगीत लिख चुके हैं संतोष जी हमारे बड़े भैया है, हो चुका है। वो कहाँ से आएगा? वो होली बाद आएगा, TF कंपनी से। अच्छा अच्छा। हाँ, होली फिलहाल आएगा जो हम लोग इनका लिख रहे हैं लाइव होली और चैता, उसके बाद लोकगीत भी आएगा लाइव और सीक्वेंस सब आता रहेगा TF कंपनी के माध्यम से आता रहेगा। चलिए ठीक है सर, आप चर्चा में आए, आपने हमसे बात की, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया। जाते जाते खेसारी टू जी आपने दर्शकों जो देख रहे हैं दर्शक, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी कोई के प्रणाम करता नहीं, कुछ भी गलती बोल ले होगी तो उकरा खातिर वह सबे माफ करब जा, आ रवा सबे ए भाई के प्यार देब जा, होली में होली के गाना गावत थनी वो सुनब जा। एगो गाना कॉमेडी गाना हम गौले बनी TF कंपनी से आई रहे, एक लाइन सुनाओ थनी। जी। हरे कोरम हमारे फूटल मिलल बरु बावना, कोरम हमारे फूटल मिलल बरु बावना, भातार खाली टेम्पू से बेचे फुलावना। कौन सा फुलौना बेच रहा है भातार? क्या मतलब इस गाने का, मतलब क्या अर्थ क्या है? ये गाने का मतलब कि अर्थ ये बाटे कि जो औरत है उसका मर्द जो है भोजपुरी में कहते हैं भैया हिंदी ना बोले वाला। कोनो दिक्कत नहीं है, वो भोजपुरी में होती है, कोनो दिक्कत नहीं, भोजपुरी में होती है। तो औरत कहत दिया कि हमार करम फूट गुल बा, हमार पति जोन बा मरद वो बावना मिलल बा। अच्छा, है ना? अच्छा, करम हमार फूटल मिलल बर बावना, भातार हमार टेम्पू से माने टेम्पू चलावल जाला वो बेचता फुलावना, माने फुलावना जो है देखिता हां हां ठीक ठीक गुब्बारा गुब्बारा। ठीक बा ठीक। एकरा मंत्र में बा कि टप टप लारे ओकरा मुहावा से चूहे,
आ गोदी में छौ की खाली गाल हमारे छूबे। और ये समझने बाटे माने जो भी हरकत करता हूँ लेकिन ना आ उकरा से परेशान भी होगा लेकिन बुद्धिये का मतलब लेकिन बुद्धिये लेकिन बुद्धिये बाप करना है। चलिए ठीक बस और आशा करो तनी कि रवा हमारा के टाइम देनी जो आपका गाना आ रहा है होली का वो सुपर डुपर हिट होगा और आप और दोनों की जोड़ी नंद किशोर जी की खेसारी टू की जोड़ी सुपर डुपर हिट होगी जैसे कि खेसारी लाल यादव महेश परदेसी की हिट थी। अभी बहुत सारे और हैं उदाहरण के तौर पर जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। वैसे आप लोगों की भी जोड़ी एक मिसाल बने और आप दोनों भोजपुरी के स्तंभ बने। जाते जाते सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जैसे कि हर गायक का एक सपना होता है कि वो भी मूवी में आए फिल्म में आए सिनेमा में आए ऐसा कोई आपका भी आ रही है मूवी या बात चल रही है या आप दिखने वाले हैं बड़े पर्दे पर? अभी तो कुछ ना कह सकेला ऐसे कि आगे चल के का हो कि जितना मेहनत करब सफलता मिली। बहुत सारा फिल्म का ऑफर आई रहे लेकिन हम खुद अपने आप से मना कर दिल रहे एक वजह से हम कहने कि हमरा को लोग अभी उतना नहीं के जानत जितना लोग के इतना पॉपुलर नहीं है आपने हाँ, खुद मना कर दिया। हाँ हम बोलने कि जितना हम कम से कम ऐसा बनल चाहते कि हमारे एक बार में फिल्म लागू तो हॉल बुक हो जाए पूरा। ये बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है। आजकल क्या होता है कि गाना चलने के बाद कोई आता है मूवी बनाता है पहली ही फ्लॉप भी हो जाती है लोगों की लेकिन आपने मना किया आपको खुद अपनी कैपेसिटी पता है लेकिन आजकल लोग ना ये नहीं सोचते हैं और तुरंत मूवी निकाल देते हैं तो मुंकी भी खा जाते हैं कुछ लोग ऐसे टाइम पे। मेरा मूवी भी 12 सही था सब एक को नहीं किया है। चलिए ठीक है सर आप चर्चा में आपने हमसे बात की तहे दिल से शुक्रिया सर नमस्कार। प्रणाम सर रौरों को प्रणाम हमारा के इंटरव्यू लेनी आ हमरा के लोग के बीच में लेनी आ नंद किशोर भैया के प्रणाम और सब आपके चैनल के लोग देखे वाला के भी प्रणाम। रौरा सब चैनल के आगे बढ़ाई हर कलाकार आ हर भाई के सपोर्ट करी आ लाइक करी कमेंट करी सब्सक्राइब करी और हमनियों का आशीर्वाद दी गोर लगातार सभी भोजपुरी। चलिए सर ठीक है सर नमस्कार। नमस्कार तो देखा दोस्तों ये थे हमारे साथ भोजपुरी गीतकार नंद किशोर जी एंड भोजपुरी गायक खेसारी टू जी। हमने इनसे बात की इनका हमने एक्सपीरियंस जाना इन्होंने कहा इशारों में नाम नहीं लिया लेकिन इन्होंने कहा कि धोखा हो सकता है नए कलाकारों के साथ भी पुराने कलाकारों के साथ भी। आप किसी के साथ काम करते हैं तो सतर्क रखे करें क्योंकि आप कलाकार हैं सिर्फ दिल से ही काम ना करें दिमाग से भी काम करें क्योंकि आज की दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ी रुपया। तो बने रहिए अपने छोटे भाई कुश दुबे के साथ तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।